पास है गणपति, जिसको 96 ईयर हो चुके हैं। पीछे दिख रहा है गणपति का पंडाल, उतना डेकोरेशन नहीं किया गया, कमी है, लेकिन 96 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं ऐसे। पीछे वो क्रेन है जो कि ट्रक के ऊपर एक आता है, मतलब स्ट्रक्चर जैसा गाड़ी आता है, उसे चढ़ाया जा रहा है। और मैं हूँ अभी UPL के पास में, और मैं आज जो है गणपति का डेढ़ दिन का गणपति जो है विसर्जन है, तो मैं आपको भुईसर में जो भुईसर माडीसी का महाराजा है, तो चलिए मैं उसका कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको। मैं देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वहाँ का व्यू दिखाता हूँ और फिर आगे मिलता हूँ। दोस्तों अभी भुईसर माडीसी में जैसे कि अनुफर्मा का नया प्लांट है, ये प्लांट अभी रेडी हुआ है, ये साल में बन के कम्प्लीट हुआ है, और लॉकडाउन से पहले ही मतलब रेडी बिल्डिंग था लेकिन काम चल रहा था। ये न्यू प्लांट है, इसके पीछे जस्ट अनुफर्मा का जो ओल्ड प्लांट भी है। और मैं हूँ भुईसर MIDC, बहुत बड़ी MIDC है और काफ़ी सुंदर भी है, मतलब यहाँ पे हर तरह की कंपनियाँ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है। तो ये जो पीछे सामने का रास्ता है वो जा रहा है भुईसर MIDC, जो कि जो MIDC का राजा महाराजा गणपति। तो हमें जाना है इस तरफ, और मैं यहाँ पर रुका हूँ इसलिए, इस वजह से क्योंकि मैं अमूल कंपनी जो कि यहाँ पर है वसुंधरा, तो यह अभी करीब 10 से 15 दिन से बंद थी, कारण बारिश का पानी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, बारिश का पानी जाने की वजह से यह प्लांट बंद हो गया था करीब एक महीने तक, क्योंकि यह ना क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ही मतलब पकड़ के चलते हैं। क्वालिटी इनके लिए क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भुईसर में जो दूध आ रहा था अभी एक हफ्ता 10 दिन से, वो आ रहा था विरार से। चलिए कंपनी के पास का व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। तो हम आए हैं अभी वसुंधरा डेयरी के पास में, यह है जो है अमूल का है, अमूल का जो मेरे पीछे प्लांट है, यह है वसुंधरा डेयरी जो कि है भुईसर MIDC में। यहाँ पर दो प्लांट है, एक वाड़ीलाल करके भी है और ये वसुंधरा जो कि अमूल का प्रोडक्ट बनाती है। तो प्लांट अंदर बहुत बड़ा है, तो बाहर का सीन है। तो बस अब मुझे जाना है पीछे की तरफ, जो कि है भुईसर MIDC का राजा गणपति। इस बार गणपति उतना धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन गणपति हर जगह बैठा हुआ है। कोरोना की वजह से अपने जो शासन प्रशासन है उन्होंने भी बोला है सिर्फ 4 आदमी को ही परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से प्रसाद तक भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं मिल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन प्रसाद तक, क्योंकि जो हैंड सैनिटाइजर जो कोरोना का जो कीटाणु है उससे बचने के लिए गणपति बैठा है जरूर, ठीक है, क्योंकि उसे गैप नहीं दे सकते। जो गणपति महाराज जहाँ 100 सालों से गणपति बैठ रही है वहाँ आप गैप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो बस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तो चलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ का सीन आपको मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू। राजा महाराजा इस बार जो कि भव्य, जो हर साल जैसा भव्य प्रोग्राम होता है, ये साल नहीं किया गया है। और देखो सिंपल सा पूरा का पूरा अभी ओपन है एरिया पूरा, और MIDC का महाराजा आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो गणपति के पीछे एक डिस्प्ले लगा हुआ है, गणपति के पीछे डिस्प्ले, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है, मैं थोड़ा फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ व्यू, देखो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो मुझे लाल बटन से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि देख पा रहे होंगे हम मंडप के पास का सीन दिखा रहा हूँ, यह है गणपति MIDC चार राजा भव्य दर्शन, जो कि इन मूर्ति के पीछे एक डिस्प्ले टाइप में जैसा दिख रहा होगा। अभी आपको जो मैं चालू होने के बाद आपको थोड़ा सीन दिखाता हूँ, अभी बंद है फिलहाल में। और अब भी एक वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर लीजिए, आपको मौका मिलेगा कि नहीं आने का। और बहुत लोग जो घर से भी नहीं निकलेंगे, तो मैं देखिए पीछे का वीडियो चालू हो गया,
हर कुछ सेकेंड पे ये वीडियो बदलता है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतर लगता है। इस समय आकर्षण का केंद्र बनेगा MIDC का राजा, क्योंकि जो कि पीछे जो डिस्प्ले लगा हुआ है ना, उस वजह से, क्योंकि महाराजा का व्यू है ना, मैंने देखा इतने प्यारे और कैसा लगा। अगर दर्शन करना है तो आप आइए और दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को देखते हुए। और प्लस बता दो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि और कौन सा वीडियो आपको देखना है, कैसा वीडियो आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब इसका डिस्प्ले ना हमेशा चेंजेस हो रहा है, मतलब चेंजेस हो रहा है, व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।